हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन बिजनेस स्टडीज क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ये लीडरशिप जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है, जो वीके पब्लिकेशन की बुक है उसमें से पूरा चैप्टर है ये, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मीनिंग। मीनिंग में क्या है, इट इज़ रेफर टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन ए सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी ये रेफर करता है किसको, इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स, जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने को, या फिर उनको बोल सकते हैं उनको सिखाने या फिर उनको प्रेरणा देने के लिए, इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट टू देम। मतलब लीडर जो उनसे करवाना चाहता है वही वो करवाए, तो वो क्या है, लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स की अगर बात करते हैं लीडरशिप में क्या होता है, जैसे अगर एग्जांपल लें तो बहुत सारे जो नेता होते हैं वही होता है लीडरशिप, ठीक है। जो नेता करते हैं वो लोगों को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करते हैं कि और लोग उनकी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो फीचर्स देखिए इसकी क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, ये क्या होती है, एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर वो क्या होता है, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस, ये बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है, इससे बिहेवियर जो है वो क्या हो जाता है, लोगों का चेंज हो जाता है, ठीक है। जो पहले कुछ और सोच रहे होते हैं बाद में कुछ और सोचेंगे लीडरशिप के बारे में। फिर है कॉमन गोल अचीविंग, जो लीडरशिप होती है वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग पर्सनल गोल के लिए होती है, ये किसी कॉमन गोल के लिए होती है। जैसे बीजेपी वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वोट के लिए अगर मांगने आती हैं तो वो क्या है, सबका कॉमन गोल है कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं उनका कॉमन गोल है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार ख़त्म होने के बाद में कभी नहीं होगी, नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। इसके बाद आती है लीडरशिप की इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में देखिए पहला क्या है, हेल्प इन द इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प फॉलोअर्स इन द फुलफिल देयर नीड्स, इससे क्या होती है, फॉलोअर्स की जो उनको फॉलो करते हैं लीडर्स को, ठीक है, उनकी जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है, ठीक है, उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। नेक्स्ट है हेल्प इन द इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस, ये रिक्वायर्ड जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस करवाने में, उनको लागू करने में हेल्प करता है, ठीक है। लोग उसके क्वेश्चनरी नहीं लगाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं, वो उसको समझ जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन द सॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो लीडर्स जो होता है लीडरशिप क्वालिटी में आती हैं उसकी, और वो सारे जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं सबको अच्छे से मतलब ख़त्म कर देता है, ठीक है, सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट है हेल्प इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट, क्या होता है कि लीडरशिप में एक ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट होता है अपने सबॉर्डिनेट को देना, जो भी है, ठीक है, उसको इजीली दे पाते हैं, क्योंकि जो लीडर होगा वो अपनी क्या करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट है वो ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि एक लीडर कैसा होना चाहिए तो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो ये हैं क्वालिटीज़ ऑफ द गुड लीडर, ठीक है, क्वालिटी जो क्वालिटी होती है गुड लीडर की वो ये होनी चाहिए। फर्स्ट है फिजिकल फीचर, उसके अंदर फिजिकल फीचर होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए वो। सेकंड है नॉलेज, उसे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़ से रिलेटेड हमें लीडर कर रहा है, लीड कर रहा है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर है इनिशिएटिव, हर चीज़ में उसकी पहल क्षमता होनी चाहिए, मतलब हर काम को वो करने में बहुत ज़्यादा मतलब खुशी महसूस करे। फिर है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए उस लीडर की, मतलब बात करने का तरीका, अपनी बात को कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए। फिर है मोटिवेशन स्किल, उसकी मोटिवेशन स्किल जो दूसरों को मोटिवेट करना है अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है, मतलब हर सिचुएशन से घबराने वाला ना हो। फिर है डिसीजिवनेस, इसका मतलब क्या होता है, डिसीजन लेना और उसे अच्छे से लागू करना, एक अच्छी लीडरशिप जो क्वालिटी है वो लीडर की होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।